त्वमेव सर्वम्। चौरासी कुटिया आश्रम में 3 घंटे का समय बिताने के बाद हम वहाँ से बाहर निकले और पहुँचे चौरासी कुटिया आश्रम के ठीक बगल वाले गंगा नदी के घाट पे। अभी जिस जगह पे हम आए, ये रामझूले के बगल में जिस घाट पे गए थे, वहाँ से खूबसूरत जगह है। हमने पहले क्यों नहीं देखा इस जगह को? तो मेरा केडियो सौरभ का ये प्लान था कि एक बर्नर लेके चलेंगे, एक पैन लेके चलेंगे और जो भी उसकी उसका फ्यूल होता है बर्नर का वो लेके चलेंगे, कहीं बर्फ़ वगैरह में बैठ के मैगी बनाएंगे। तो वो प्लान जब पॉसिबल नहीं हो पाया तो अब प्लान है कि यहीं नदी के किनारे बैठकर मैगी बना लें। उसके लिए हमें चाहिए पानी। तो पानी मैंने ले लिया है और जो पोर्टेबल बर्नर का फ्यूल है वो एथिलीन या कुछ ऐसे ही है, मैं क्लियर नहीं हूँ। वो हर जगह अच्छे से जलता है तो हवा भी चल रही है चारों तरफ से, बट आई होप कि हमारी मैगी बन जाए। वो रहा अपने आनंद भाई और ये रहा अपना सौरभ। फोटोग्राफी यहाँ पे भी चालू है भाई। कौन सी गैस है ये? ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन। मैं एसिटिलीन सोच रहा हूँ, प्रोपेन सोच रहा हूँ। तो ये हमारा पूरा सेटअप, चारों तरफ से हमने पत्थर लगा दिया है ताकि नदी किनारे हवा वगैरह से हमारी गैस ना बुझे। हमारी स्लो कर दे अपना पैन मैगी और अब बनेगी मैगी। तो नदी किनारे मैगी खाने के बाद हम पहुंचे ऋषिकेश की गंगा आरती देखने। सकलं परस्मै नारायण। गंगा आरती देखने के बाद हम ऋषिकेश से वापस हरिद्वार के लिए रवाना हुए और 4 से 5 लोगों की इस जर्नी को हमने 4,000 रुपये पर पर्सन के सिंपल से बजट में ख़त्म किया।